नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स और आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। क्या रोमांचक मैच हुआ है, रोमांच के सारे मानक टूट गए। मैं तो कह भी रहा था कि आज रोमांच के सारे मानक टूट जाएंगे, सारे पैमाने ध्वस्त हो जाएंगे, आज एक नया पैमाना गढ़ा जाएगा। गढ़ दिया भाई आज के मैच ने। एक तो कल इतना शानदार मैच हुआ, उसके बाद बैक टू बैक इतना शानदार मैच कि मजा ही आ गया। तो रोहित, आज के मैच में हम इस वीडियो में बताएंगे सुपर ओवर का सुपर रोमांच कैसा रहा। सुपर ओवर का रोमांच जरा रोहित बताइए कैसा रहा और सुपर ओवर तक स्थितियां पहुंची कैसे। देखिए, सुपर ओवर की निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से केरन पोलार्ड की बल्लेबाजी रही, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किस तरह से ये मैच जो है वो सुपर ओवर तक गया। आखिरी ओवर का चौका आपको भी याद है, क्योंकि हम यही सोच रहे थे कि या छक्का मारने की कोशिश करेंगे या चौका मारने की, कम से कम कोशिश तो रहेगी। वहीं से गेंद जो है वो सुपर ओवर में आया। लेकिन सुपर ओवर का रोमांच मुझे लगता है थोड़ा सा नवदीप सैनी ने फीका कर दिया। अगर यही मैच जाता 17-18 रन तो एक क्रेज और ज्यादा बनता, लेकिन फीका कर दिया। जब हम कह रहे हैं ना, तो हम ये भी कह रहे हैं कि नवदीप सैनी क्या गेंदबाज है, कमाल का गेंदबाज। पूरे सुपर ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी उनमें दिखी, मतलब उन्होंने जो कला दिखाई अपनी, उन्होंने बता दिया कि वो भले ही युवा गेंदबाज हैं लेकिन फुल ऑफ टैलेंट स्किल, जो हम शुरुआत में जसप्रीत बुमराह के लिए कहते थे। दूसरी तरफ बुमराह ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन जो चार्म है ना सुपर ओवर का, वो तब है जब 15 से ऊपर रन बने। बिल्कुल, 6-7 रनों में मुझे लगता था, लेकिन फिर भी बुमराह ने फंसा दिया था। बुमराह ने तो फंसा दिया था, ये तो हमें उम्मीद थी, लेकिन क्योंकि सामने दो इतने बड़े बल्लेबाज थे ना कि आपको पता था ये बन जाएंगे रन। सोचिए 6-7-8 की जगह मुश्किल से 10-12 रन होते। मैं कह रहा था पूर्व आपको कि 10 से ऊपर अगर रन, इतने बड़े बल्लेबाज भी रन नहीं बना पाते बुमराह के सामने। सही बात है। और देखिए, स्पॉट ऑन यॉर्कर्स, टो क्रशिंग यॉर्कर्स, बाउंसर्स, बॉडी अटैक, दूसरी गेंद आपने प्रेडिक्ट की थी शॉट ऑफ गुड लेंथ, वो डाली गई, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, मैं वही आपको कह रहा था कि 10 से ज्यादा रन होते बिल्कुल मुंबई के फेवर में खत्म कर। तो ये रोमांच था सुपर ओवर का, बहुत ही शानदार ये सुपर ओवर रहा है, और वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है जिस तरीके का गेंदबाजों के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट सुपर ओवर, क्योंकि रन बहुत बनते हैं सुपर ओवर्स में, लेकिन गेंदबाजी ऐसी शानदार दोनों छोर से बड़ी कम होती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।